हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मावे की बर्फ़ी। इसके लिए हमने लिए हैं काजू बादाम आधा कटोरी, चीनी एक कटोरी, मावा डेढ़ कटोरी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मावे की बर्फ़ी बनाना। की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम डेढ़ कटोरी मावा डालेंगे। हल्के से चलाएंगे मावे को, कई मावे जो है वो जले नहीं। बना लेंगे चीनी एक कटोरी और इसको भी जो है अच्छे से मावे के साथ मिक्स कर देंगे। और मावे को जो है चीनी के साथ जब तक गर्म करेंगे जब तक कि चीनी जो है मावे में अच्छी तरह से घुल ना जाए। और करीब 10 मिनट तक हमें जो है चीनी और मावे को जो है पकाना है, ताकि जो हमारी चीनी है वो जो है मावे में मिक्स हो जाए और इसको जो है चलाते जाना है। हमने जो है इसे मावे को जो है चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से पका लिया है। और ये देखिए, अब थोड़ी सी कैड़ी हो गई है तो जो हमारी बर्फी है वो जमने के लिए तैयार हो गई है। उसको जो है हम एक परात में डाल देंगे। ले ली है, उस पर हम जो है घी लगा रहे हैं और अच्छे से घी लगा रहे हैं ताकि जो हमारी बर्फी है वो जो है चिपके नहीं। ये देखिए, हमने जो है प्रांत पे घी लगा लिया है, लेंगे इस पर हमने जो घी लगाया था। प्रांत में जो है बर्फी की मिक्सर को फैला लिया है और इसको जो है अच्छे से सेट कर देंगे। ऐसे जम सेट कर देंगे, ऊपर से हम इसमें काजू बादाम लगा देंगे। एक घंटे के लिए जो है हम इसको बर्फी को सेट होने के लिए छोड़ देंगे। मैं आपको एक घंटे बाद दिखाती हूँ। घंटे बाद जो है हमारी मावे की बर्फी जम गई है, हम इसको जो है चकोर शेप में काटेंगे। हमें चकोर शेप में काटेंगे।
इसको जो है अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ये ऐसे जो है हम आराम से निकालेंगे ताकि जो हमारी बर्फी जो है टूटे नहीं। ऐसे हम साइबर को निकाल के रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है मावे की बर्फ़ी को काट लिया है और काट के हमने जो है अलग प्लेट में रख लिया है। अब देखिए हमारी मावे की बर्फ़ी कुछ ऐसी बनी है। देखिए अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।